44 की उम्र में आज भी कुंवारे हैं अक्षय खन्ना। कभी करिश्मा से शादी के लिए गया था रिश्ता, लेकिन इस कारण नहीं बनी बात। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने आज अपनी जिंदगी का 44वां साल पूरा कर लिया है। अक्षय खन्ना का जन्म 28 मार्च 1975 में हुआ था। उनका बचपन से ही अभिनय में इंटरेस्ट था, क्योंकि उनके पिता अभिनेता थे। यही कारण है कि उन्होंने नमित कपूर के एक्टिंग स्कूल से अभिनय की शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म हिमालय पुत्र थी, जो 1997 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उनके पिता थे। हालांकि उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उनकी अगली फिल्म बॉर्डर फिल्म में नजर आए थे। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें उनके अभिनय की हर किसी ने सराहना की थी। इस फिल्म के लिए उनको पहला फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन भी मिला था। इस फिल्म के लिए बाद अक्षय खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी कोई भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि आज अक्षय खन्ना की उम्र 44 की हो गई है, लेकिन वो आज भी कुंवारे हैं। खबरों के अनुसार रणधीर कपूर अपनी बड़ी बेटी करिश्मा कपूर की शादी अक्षय खन्ना से करवाना चाहते थे। उन्होंने विनोद खन्ना के पास रिश्ता भी भेजा, लेकिन करिश्मा की मां बबीता कपूर ने इसे पूरा नहीं होने दिया। एक बार सिमी ग्रेवाल के चैट शो पर अक्षय खन्ना ने कहा था कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता उन्हें आकर्षक लगती हैं। उन्होंने कहा था कि उनमें ऐसे कई बातें हैं जो मुझे उनके प्रति आकर्षित करती थी।